नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज। कन्नौज पुलिस ने स्कॉर्पियो कार में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही शराब गाड़ी से बरामद की। पुलिस को देखकर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो और बरामद शराब जब्त कर अज्ञात के खिलाफ शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला कन्नौज के सौरिक थाना पुलिस को देर रात दिल्ली के नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की तस्करी होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस ने थाना क्षेत्र के सभी मुख्य रास्तों पर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी चलते देख एक स्कॉर्पियो चालक दूर से ही गाड़ी घुमाकर भागने लगा। पुलिस ने पीछे किया तो चालक गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय के निर्देशन में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें थाना अध्यक्ष सौरिक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे थाने की टीम लगी हुई थी। महोदय के जरिए सूचना यह मिली थी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध शराब लाई जा रही है। इस सूचना पर हमारी टीम ने उसको गाड़ी जब करीब आई तो उसको रोकने का इशारा किया, टॉर्च दिखाई गई, लेकिन वो गाड़ी रोक न करके और आगे बढ़ा लिया, भागा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और लगभग 500 मीटर दूर जो है गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसमें जो दो लोग बैठे थे वो भागने में सफल रहे। बाद में जब उसकी गहराई से तलाशी ली गई तो उसमें गत्ते में भरी हुई 40 गत्ते, जिसमें एक गत्ते में 48 बोतलें थी, कुल 1920 बोतल की रिकवरी हुई है। 1920 बोतलों की रिकवरी है, जो कि अच्छी खासी रिकवरी है। और साथ में स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है और इस संबंध में थाना सौरिक में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 60/72 एक्साइज एक्ट का और इसकी व्यवस्था में आगे सारी चीज़ें।